हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवा लर्निंग में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस, जो एक गुड न्यूज़ है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा उड़ीसा में भवानीपटना में मेडिकल कॉलेज एक कंस्ट्रक्ट होने का टेंडर जो है वो पास हुआ है, जिसमें 100 सीट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होंगी, MBBS के स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है गाइस। एज़ पर द आर्टिकल भुवनेश्वर, द उड़ीसा कैबिनेट टुडे फॉर्मली पुट अ सील ऑन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बिड टू कंस्ट्रक्ट द 100 सीटेड मेडिकल कॉलेज एट भवानीपटनम इन उड़ीसाज कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। तो इस कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज जो है वो बनेगा, और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। क्योंकि अगर सीट्स ज़्यादा होंगी तो चांसेस भी ज़्यादा होंगे। लास्ट पिछली कुछ वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि पिछले 5 सालों में 18,000 प्लस सीटें जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये 100 सीट भी और फिर से इंक्रीज़ होने वाली है। तो जो ये टेंडर है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि इसमें है क्या। तो वैसे जो तीन कंपनियों ने, जो बिडर्स थे तीन कंपनियाँ, तो उनमें से टाटा का जो है वो सबसे कम बिड वैल्यू में जो टेंडर उसका पास हुआ है। तो टेंडर फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज फ्लोटेड विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 202.39 करोड़, इन विच थ्री बिडर्स NCC लिमिटेड, शाहपुरजी बलोरजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वर फाउंड टेक्निकली क्वालिफाइड। तो उस बिल्डिंग को, उस कॉलेज को बनाने के लिए तीन कंपनियाँ टेक्निकली क्वालिफाइड पाई गई, और इनमें जो सबसे पहले सबसे कम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड स्टूड लोवेस्ट विद द बिड वैल्यू ऑफ ₹220,73,98,218। तो ऑफिशियल सोर्स का कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा 2 साल में विदाउट एनी प्राइस एस्केलेशन। तो 2 साल में ये कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा और 100 सीट जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो गाइस, ये थी आज की न्यूज़ नीट के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू गाइज़।